जय सत्यम सिद्धारा में, जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मनीषी फिटनेस में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मुग्धर की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक्सरसाइज, मतलब कि आप मुग्धर करते हो तो बेसिकली मुग्धर जो इक्विपमेंट होता है वो आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए होता है, लेकिन फिर भी जो उसकी अलग से एक स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। टोटल वैसे स्ट्रेंथ की आपकी 3-4 एक्सरसाइज है, तो इस वीडियो में अभी एक कवर करूँगा और धीरे धीरे आने वाले टाइम में जो और भी इसकी एक्सरसाइज है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाली वो मैं आपको बता दूंगा। इस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपका फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहले कि अगर आप मुग्धर के वेट में स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब कि आप मुग्धर घुमा रहे हैं, आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मैं मुग्धर के वेट को बढ़ा नहीं पा रहा, मतलब आप 5 किलो का मुग्धर घुमाए जा रहे हो और 5 किलो से अगले मुग्धर पर शिफ्ट नहीं हो पा रहे हो, तो ये जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज है या फिर जो भी मैं आगे बताऊँगा आपको, वो सब आपको हेल्प करेंगी मुग्धर के वेट को बढ़ाने के लिए। अगर आप मुग्धर के रिपीटिशन में अटक गए हैं कि मैं मुग्धर के रिपीटिशन इसके आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, तो भी ये आपको एक्सरसाइज हेल्प करेगी। और आपकी जो मसल्स हैं, मसल्स भारी, मतलब कि जो मैं आपको बताऊंगा, तो इस एक्सरसाइज से आपके शोल्डर भारी होंगे, आपके बाइसेप्स भारी होगी, आपकी फोरआर्म्स और आपकी कलाई, मतलब कलाई में तो स्ट्रेंथ आई, कलाई तो खैर इतनी रहती है, कलाई का कोई साइज़ बढ़ता नहीं है, मेन तो आपका जो यहाँ से मतलब फोरआर्म्स और बाइसेप्स ट्राइसेप्स का और शोल्डर का आपका साइज़ बढ़ता है, तो इससे क्या होगा आपकी जो बाइसेप्स शोल्डर और आपकी फोरआर्म्स हैं ये भारी हो जाएंगी, भारी इन द सेंस कि इसका मसल मास आपका बढ़ जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ करना कैसे, फिर मैं आपको बताऊँगा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। ये मुग्धर है, ये 8 से 9 किलो का मुग्धर है, सिंपल आपको पकड़ के इस तरीके से ये आगे लाना है ऐसे और इसको होल्ड रखना है। ये आपका सीधे हाथ से होगा और ये आपका उल्टे हाथ से। एक बार आपको साइड से दिखा देता हूँ, अब समझते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप। आपके समझ में आ गया होगा कि मुग्धर को उठा के हमें कुछ आगे की तरफ लाना है। अब समझते हैं इसके स्टेप। सबसे पहले इसमें आते हैं स्टार्टिंग पोजीशन में। पहले जब मुग्धर को उठाओगे तो उससे पहले आपके पैर जो है आपको थोड़े से खोल देने हैं, ठीक है, इतने खोलने हैं कि जो आपके शोल्डर है शोल्डर से थोड़े से बाहर रहें, बस इतने आपको खोलने, बहुत ज़्यादा नहीं खोलने हैं, क्योंकि जब आप मुग्धर को आगे लेके जाओगे और अगर आपके पैर चुपके हुए होंगे तो आप बैलेंस नहीं बना पाओगे, राइट। तो इसलिए आपके पैर थोड़े से खोलने हैं, बहुत ज़्यादा खोलोगे तो आप तब भी आपका बैलेंस नहीं बन पाएगा, तो एक आपको बहुत थोड़े से पैर खोलने अपने शोल्डर से हल्के से बाहर, या फिर शोल्डर की बस शोल्डर से हल्के से आपके पैर बाहर रहेंगे। फिर करना है आपको मुग्धर आपने अपने हाथ में लिया, अभी मुग्धर भारी है, अगर मैं आपको करते करते बताता रहूँगा तो बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए आप ये समझो कि अभी मेरे मुग्धर हाथ में है। मुग्धर को आपको लाना है इस तरीके सीधा, साइड से आप देखें इस तरीके से आपको मुग्धर सीधा लाना है। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ की पोजीशन, अभी आप केवल मेरे जिस हाथ में मुग्धर है, आप इमेजिन करें साथ में मेरे मुग्धर है, अभी आप केवल इस हाथ को देखें, यह हाथ आपका इस तरीके से आएगा, तो आप देख रहे होंगे मेरी शोल्डर की सिधाई में है, हल्का हल्का सा बहुत शोल्डर से ऊपर है, तो ये हो गई मेरे हाथ की पोजीशन जिसमें मैं उठाऊंगा आपका मुग्धर। फिर आएंगे हम गर्दन की पोजीशन पे, चाहे आप सीधे हाथ से उठाओ चाहे आप उल्टे हाथ से उठाओ, गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, इसको आप टेढ़ा मत करना वरना आपकी नेक में गर्दन में आपकी दर्द हो जाएगा, इस तरीके से बिल्कुल सीधे रखनी है ये। तो ये हो गई आपकी गर्दन की पोजीशन। फिर आते हैं हम दूसरे हाथ की पोजीशन, इस हाथ में मुग्धर है तो दूसरे हाथ की पोजीशन क्या रहेगी आपकी, अब मैं वो करके बताता हूँ। ये आपने मुग्धर पकड़ा, पैर अपने अपने पहले हम सामने करते हैं, ये आपने मुग्धर पकड़ा, आपने हल्के से पैर खोले, ये मुग्धर आ गया आपका सामने इस तरीके से, और ये आप देख रहे होंगे ये मेरा दूसरा वाला हाथ है, ये मेरा जा रहा है पीछे की तरफ, आप दोबारा देखें। अब आपको मेरे उस हाथ पर ध्यान देना है जिसमें मुग्धर नहीं है, वो जा रहा है मेरा पीछे की तरफ और मुट्ठी मेरी टाइट है, ये बिल्कुल टाइट है, और मेरा जो दूसरा हाथ है वो भी बिल्कुल टाइट है ये, और गर्दन बिल्कुल सीधी है, तो आप समझ गए होंगे कि जिस हाथ में मुग्धर है वो तो आपको जब मुग्धर को आप होल्ड करोगे तो वो तो उसकी मुट्ठी ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगी, लेकिन जो दूसरा हाथ है वो जाएगा पीछे की तरफ और उसकी मुट्ठी भी ये टाइट रहेगी और कोहनी बिल्कुल सीधी रहेगी। कुल मिलाकर आपको ये मुट्ठी टाइट करनी है और आप जब पीछे करोगे हाथ को बिल्कुल तो आपकी ट्राइसेप्स भी ऑटोमेटिकली टाइट आपकी हो जाएगी। तो ये हो गया आपका दोनों हाथों की मैंने पोजीशन आपको बता दी, पैरों की मैंने आपको बता दी, गर्दन की बता दी, और फिर आते हैं हम चेस्ट की पोजीशन पे। जब आप मुग्धर को उठाओगे इस तरीके से तो ये नहीं ऐसा नहीं झुकना आपको,
ये चेस्ट आपका आगे निकल रहेगा, ये बिल्कुल। और जब अपने आप चेस्ट को आगे निकालोगे तो आपकी कमर ऑटोमेटिकली सीधी हो जाएगी। तो ये मेन स्टेप्स हैं इसमें जो आपको याद रखने हैं, राइट। अब मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, सामने करके दिखाऊँगा आपको, राइट से करके दिखाऊँगा आपको। आप इसको देखें और आराम से सीखें, आराम से। ये मुग्धर पकड़ा मैंने, पैर थोड़े से खोल लिए अपने, मुग्धर आपका यहाँ रहेगा, चेस्ट आपका बाहर, और ये आगे, ये जैसे हाथ आगे आएगा ये वाला हाथ पीछे रहेगा आपका, और गर्दन बिल्कुल सीधी, हल्की सी गर्दन आप ऊपर भी कर सकते हो। ये आपका सीधे हाथ से हो गया, सेम आपका उल्टे हाथ से होगा। और जब आप इसको नीचे लाओगे, मुग्धर को ऐसे आपने पकड़ा, जब आप इसको नीचे लाओगे तो एक बार ध्यान रखें कि जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तब भी आपको आराम से लाना है, और जब आप इसको नीचे लाओगे तब भी आपको आराम से लाना है, झटके से मुग्धर नहीं कराना है। इस तरीके से आप ऊपर लाए इसको आराम से, जब नीचे लेके जाओगे तब भी आपको आराम से लाना है। ऐसा नहीं करना कि आपको झटके से गिर दिया, झटके से गिर दिया तो आपके फिर कंधे में कहीं ना कहीं मसल टूट जाएगी और दो चार दिन आपके पेन रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने वेट से स्टार्ट करें। तो आप ये ध्यान रखें कि जितने कम से कम वेट हो उतने से आप स्टार्ट करें। मान लीजिए आप मुग्धर घुमा लेते हैं 3 किलो का, तो अपने 3 किलो से स्टार्ट करें। आप मुग्धर घुमाते हो 5-10 किलो का, तो स्टार्ट करें 5 किलो से, मतलब एक साथ बहुत हैवी ना आए। मेरे को आदत है तो इसलिए मैंने 8 या 9 किलो का, मेरे जितना मुग्धर है मैंने उससे करके दिखा दिया। जब मैंने भी शुरुआत करी थी तो मैंने 3 या 4 किलो के मुग्धर शुरुआत करी थी, धीरे धीरे करते करते इतनी स्ट्रेंथ डेवलप हो चुकी है। तो एक बात बहुत ध्यान रखें कि कम से कम वेट से स्टार्ट करें। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाए वैसे वैसे आप अपने अदर वेट पर, मतलब हायर वेट पर अपने आप शिफ्ट हो सकते हैं। एक साथ बहुत ज़्यादा वेट ना उठाएं, वरना आपके खामोखा बहुत ज़्यादा गर्दन और शोल्डर में, मेन आपका बैक में दर्द हो जाएगा। तो मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि स्टार्ट करें तो हल्के वेट से स्टार्ट करें। फिर आते हैं इसमें ब्रीदिंग टेक्निक में। जब आप इसको करोगे तो आपको सांस कैसे लेनी है। सांस आप नाक से भी ले सकते हो, सांस आप मुंह से भी ले सकते हो। जैसे मसल पर लोड पड़ेगा तो आपकी सांस बहुत और उखड़ने लगेगी, तो उस टाइम क्या होता है, आप नाक से सांस नहीं ले पाते तो आप मुंह से सांस ले सकते हो। इस तरीके से ये उठाया आपने, ये मैं ले रहा हूँ नाक से, आप मुंह से भी ले सकते हो। इस तरीके से आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखो कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि नाक से ही सांस लेनी है या मुंह से सांस लेनी है। अगर आपने देखा हो कभी, आप नोटिस करना, अगर मान ली घर में कभी आप कट्टा उठाते हो, मतलब कि आटे कट्टा हो गया, फिर चीनी कट्टा, अगर आप उसे उठाते हो तो अपनी बॉडी को टाइट रखते हो, कट्टा उठा के आपने रख दिया, तो उसके बाद आप देखते हो कि जब आप सांस लेते हो तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से आती है। फिर अगर आप बहुत लंबी दौड़ लगाते हो, थक जाते हो, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा करते हो, तब भी आप सांस मुंह से लेते हो, क्योंकि नाक से लेने से क्या होता है कि बहुत जल्दी कवर नहीं हो पाती ऑक्सीजन। आप सांस लोगे मुंह से, बहुत जल्दी कवर हो जाती है आपकी। तो ये थे इसमें करने के पॉइंट्स, आप समझ गए होंगे। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। गर्दन आपकी सीधी, हल्की सी ऊपर, हल्की सी ऊपर, ऐसे तो मेरी फिलहाल सीधी है, हल्की सी ऊपर रहेगी आपकी, बिल्कुल सीधी नज़रें, हाथ बिल्कुल सीधा, शोल्डर से हल्का सा ऊपर रहेगा आपका, जो दूसरा वाला हाथ है वो पीछे रहेगा, बिल्कुल टाइट, दोनों की मुट्ठी टाइट रहेंगी, इसकी मुट्ठी टाइट रहेगी, पैर आपके रहेंगे थोड़े से खुले हुए ताकि आपका बैलेंस बन सके। चेस्ट आपके बाहर रहेंगे, मतलब ऊपर की तरफ, आपको इससे सीधे निकाल लेना है अपना, ज़्यादा नहीं निकालना, कहीं आप बिल्कुल ऐसा कर लो नहीं, हल्का सा निकाल लेना है, कमर आपकी ऑटोमेटिक सीधी हो जाएगी और आप इसको आराम से कर सकते हो। अब आते हैं करना कितनी बार है और कब करना है आपको। तो इसका सिंपल सा सूत्र, अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करनी है तो आप एक चीज़ याद रखें, रिपीटिशन नहीं करनी होते, केवल एक बार ही उसको करना होता है। तो सेम इसमें है कि अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आपको क्या करना है, अपने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली पूरी, उसके बाद आपने ये एक एक बार करना है। एक एक बार कैसे, एक बार आपने राइट से करा मैक्सिमम टाइम के लिए, मतलब आप एक बार तक जितना मैक्सिमम उसको होल्ड कर सकते हो वो करना है आपको, पहले राइट से इस तरीके से जितनी देर तक होल्ड कर सकते हो। ये तो अगर बहुत हैवी है 8 या 9 किलो का, और मैं भी अभी इसकी प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ, होल्ड रखो अभी कर सकते हो उसको, गर्दन बिल्कुल सीधी, मुट्ठी दोनों टाइट, ये करा आपने, सेम वो करना है उल्टे हाथ से। और बीच में अगर आपको लगे मेरी सांस भर गई है तो हल्का सा रेस्ट ले, फिर अपनी सांस भरें, फिर उल्टे हाथ पर आएं।
ये आराम से आपको नीचे लाना है। तो एक बार आपको राइट से करना है, एक बार आपको लेफ्ट से करना है बस। फिर आपको नेक्स्ट डे मतलब एक एक बार करना है मैक्सिमम टाइमिंग के लिए। तो इससे आप बहुत अच्छे रिजल्ट देखोगे। और इससे क्या होता है, जब आप मुग्धर को इस तरीके से पकड़ते हो टाइट करके, तो आपकी जो चेस्ट की मसल्स हैं इन पर भी फ़र्क पड़ता है, ये भी आपकी टाइट होती हैं। और जब इस तरीके से आप करोगे तो जब आपका चेस्ट आपने आगे निकाल लिया तो आपकी लोअर पर फ़र्क पड़ता है, और आपकी जो विंग्स की मसल होती है ना इससे वो भी आपकी भारी होंगी, क्योंकि विंग्स की मसल पर भी आपकी बहुत फ़र्क पड़ता है। ये जो पीछे मसल आती है आपकी, ये वाली है इस तरफ, इस पर भी आपके दबाव पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये अपर बॉडी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। लोअर बॉडी के लिए जब आप खड़े रहते हो तो आपके पैर टाइट रहते हैं, लेकिन फिर भी लोअर बॉडी के थोड़ी कम इफेक्टिव है। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, आपको लगता है कि आप कहीं स्ट्रगल कर रहे हो मुग्धर में और जो मैंने अब तक वीडियो कवर नहीं करी है, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, अपने सजेशन मुझे दे सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाने की बहुत जल्दी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। जय सत्यम सिद्धारण में, जय गुरुदेव।